दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। कश्मीर में बिहारियों की लगातार हो रही हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शोक जताया है और केंद्र सरकार से कहा है कि अगर केंद्र सरकार कश्मीर के मुद्दे को सुलझा नहीं सकती तो बिहारियों के हाथ सौंप दिया जाए जम्मू कश्मीर को और बिहारी स्वयं सारे मसले को सुलझा देगा। बिहारियों के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार पर सरकार में रहे जीतन राम मांझी के द्वारा उंगली उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी बिलखने लगे और जीतन राम मांझी को कड़ा जवाब दिया। जीतन राम मांझी को कहा कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, बिहारियों के हाथ सौंप दिए जाने की बात कहना उचित नहीं है। सुशील मोदी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गलतियों को छाप छाप करने के लिए बयान देकर भाजपा के कमी को झांपने का प्रयास करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, जब आवाज उठाते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो सुशील मोदी हमेशा लबलब करके बोलकर उस मुद्दा को दबाने का प्रयास करते हैं। सुशील मोदी के द्वारा इस प्रकार की बात किए जाने पर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा कि 10 दिन के लिए मुझे कश्मीर बिहारियों को सौंप दिया जाए, फिर बिहारी बता देगा कि क्या बिहारी कर सकता है। सुशील मोदी हमेशा आदत से लाचार हैं, कभी तेजस्वी पर उंगली उठाना, कभी लालू प्रसाद पर उंगली उठाना, कभी सरकार के अन्य लोगों पर उंगली उठाना उनकी आदत बन गई है। नीतीश कुमार के बी मैन रहे सुशील मोदी को भाजपा ने जड़ से कबाड़ कर बिहार से फेंका और केंद्र में ले जाकर मात्र सांसद बनाकर रखा है। चूंकि वह पुराना भाजपा के लोग हैं, लेकिन मोदी गुट में विश्वासी नहीं हैं, इसलिए उन्हें ले जाकर सांसद बनाकर रख दिया। लेकिन वो उम्मीद जताए हुए थे कि केंद्र में मुझे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सुशील मोदी की भारी बेइज्जती की गई, मंत्री नहीं बनाया गया, ना ही कोई पद उसे सौंपा गया। सुशील मोदी आउटडेटेड फालतू के रूप में उसे संटिंग में टूटे फूटे कुर्सी टेबल के तरह रख दिया गया। सुशील मोदी के बड़ बोलेपन और बयानबाजी के कारण सुशील मोदी यह सोच रहे हैं कि मोदी के मैं दृष्टि में आऊं और मुझे भी कोई जगह मिले। लेकिन सुशील मोदी को संटिंग में रख दिया गया, आउटडेटेड सामग्री के तरह उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली में रख दिया गया। न उनकी पूछ है, न उन्हें कोई काम दिया जाता है, न उन्हें बिहार में कोई महत्व अब दिया जाता है। केवल बयानबाजी करके सुशील मोदी अपना महत्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भयंकर और बड़ी बात है कि बिहारियों की हत्या कश्मीर में हो रही है। सुशील मोदी के को बिहारी के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। बिहारी की हत्या हुई है, बिहारी की हत्या न हो, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए कि बिहारी जो वहां मजदूरी करने या ठेला रिक्शा चलाने जाते हैं, खोंचा में सामान बेचते हैं, वैसे गरीब लोगों की सुरक्षा हो, हत्या न हो। लेकिन सुशील मोदी अफसोस जताने के बजाय वो अब इस बात को झांपने पर लगे हुए हैं कि घाटी और जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या हो रही है। आवाज उठाए जाने पर मांझी से तकरार कर रहे हैं। ऐसे नेता की नेतागिरी केवल बयानबाजी पर आधारित है। चुनाव जीत नहीं सकते केवल राज्यसभा और विधान परिषद में जाकर महत्व बनाए रखने का काम करते हैं। सुशील मोदी पहचानहीन और जमीन से बहुत दूर चले गए हैं,
ऐसा नेताओं का कहना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।